देखो कितना टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो गए फुप्पो फुप्पो, चाचू की कोई कदर ही नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन फुप्पो भी तो फुप्पो है ना। फुप्पो फिर फुप्पो है भाई, बस कर दो बस कर दो, इतनी कोई ड्रामेटिक फैमिली है ना, बख्श दो उसको। इस बेचारे को तो डांट लेंगी, लेकिन उस बड़े बच्चे का क्या करेंगे आप? कल से उन्होंने हंगर स्ट्राइक की हुई है। बड़े बच्चे का एक सलूशन है मेरे पास। वो इम्पॉसिबल है यार। पॉसिबल हो भी सकता है, थोड़ी सी हेल्प ही कर दो। अच्छा वो कैसे? एक अच्छी सी मुनासिब सी लड़की ढूंढ दो भैया के लिए। उनके लिए लड़की मैं ढूंढूं? अपने लिए भी ढूंढ लेना, मेरा मसला तो हल कर दो। अच्छा मैं समझ गया हूँ आपका प्लान। आप चाह रही हैं कि हम सबकी शादी हो जाए और आप सुकून से जिंदगी गुजारें। हाँ यही समझ लो, भैया की शादी तो मैं करवा के छोड़ मन्नत की नहीं करवा दी, देख लेना। मेरा भी कुछ सोच ले। मैं तुम्हारा सोचूं? बेटा आई एम ऑन टू यू। जो रात को फोनों पे बातें होती ना चार चार घंटे, ये मसला तुम खुद ही हल कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूं, सब पता है मुझे। ढूंढो ढूंढो लड़की ढूंढो। कभी कभी मुझे लगता है तेरी जिंदगी पर लतीफों की किताब लिख देनी चाहिए। अब हंसता ही रहेगा कि कोई ढंग का मशवरा भी देगा? चल मैं सीरियस होता हूं, बता बता क्या करना। मन्नत और अमित दोनों मुझसे नाराज हो। मन्नत को लगता है कि उसने मेरी जान बचाई, अम्मी और बहनें बजाय थैंकफुल होने के उसे मजीद नाराज हो गई। मन्नत को यह बात अपनी इंसल्ट लगी है और वो बुरा मान गई। अम्मी को लगता है कि मन्नत ने मेरी कमर पे मुक्के मार के उनके खानदान की इज्जत और गैरत को तार तार कर दी। हर मजे की बात यह है कि दोनों मुझसे ही नाराज। अम्मी क्योंकि मेरी अम्मी है तो कसूर मेरा, मन्नत मेरी बीवी है तो भी कसूर मेरा। ओहो तो तू बहनों से बात कर, तो इन दोनों को समझाए राजी करे। यार कोई कुछ नहीं करेगा अतर, फजीलत अभी मन्नत को अपना दुश्मन समझती है और नुदरत बाजी मुझसे अभी तक नाराज है क्योंकि मैं शौकत भाई की अभी तक जमानत नहीं करवा सका, और इतरत नुदरत बाजी से नाराज है। ये इससे नाराज है, वो उससे नाराज है। तुम लोगों के घर में ये क्या नाराजगी नाराजगी का खेल तमाशा चलता रहता है यार? तू मर्द है, घर का सरबरा है, अपनी घर की औरतों को काबू नहीं कर सकता? अपने नाम के आगे से ना ये चौधरी हटा दे तू। सो रही हो? सो रही हो तो बोल कैसे रही हो? नाराज हो? नहीं, मुझे पता तुमने अम्मी की बात का बुरा बनाया। हाँ यार, अम्मी का ये मतलब नहीं था, अम्मी ने समझाना चाह रही थी। मुराद मुझे नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। पूछो ना मेरे दिल से, क्या हाल है। नजर मिली जब उनसे, उसकी एक झलक मेरी जान। बनाने में हेल्प तो कर दो।
कर दो ना प्लीज, पहले काफी देर हो गई है। अब ध्यान से, बाजू टूटा हुआ है मेरा, क्या कर रही हो? बस करो ये ड्रामा, कब तक चलेगा ये सब कुछ? जब तक मेरे बाजू ठीक नहीं हो जाते। बीवी हो तुम मेरी, खिदमत करना ना तुम्हारा फर्ज है। अपनी ये चौधराहट मुझे दिखाने की कोशिश ना करो, तुम्हारा ये रोब ना मुझ पर नहीं चलने वाला। हाँ मैं जानता हूँ, मगर मंतू ये तुम अकेले में मुझे जो मर्जी कह लिया करो, लेकिन अम्मी और बहनों के सामने मुझ पर रोब मत झाड़ा करो प्लीज। यानी उनके सामने मैं तुमसे प्यार से बात नहीं कर सकती, रोब नहीं झाड़ सकती, चाहते क्या हो तुम? तुम क्यों भूल जाते हो यार, हमारी शादी किन हालात में हुई, और इस शादी को कायम रखने के लिए ना हमें थोड़ी बहुत तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी ना। ठीक है, लेकिन इतनी सी, सिर्फ इतनी सी, उतनी नहीं जितनी तुम डिमांड कर रहे हो। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए मैं अपने आप को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, इतनी सी, ओके, अपना मूड ठीक करो। ये मूड एक शर्त पर ठीक होगा, जब शाम को तुम मेरे साथ चलोगे। कहाँ जाना है? भैया के घर रहने के लिए। रहने के लिए? वो क्यों भाई? हम कौन सा पूरी जिंदगी वहां रहने के लिए जा रहे हैं, दो तीन दिन में वापस आ जाएंगे। भाभी वैसे भी कह रही थी कोई रस्म होती है। बड़ी वैसे ना कोई नामाकूल सी रस्म है। और जो तुम्हारी अम्मी रस्में कर रही थी वो ऐसे पानी वारने वाली, वो बहुत माकूल है। मेरी फैमिली ने एक रस्म बता दिया तो वो नामाकूल हो गई है। यार तुम हो के आ जाओ ना, हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता ससुराल में जाके रहना। हेलो, अच्छा आ रहा हूं। व्हाट? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूं, पहले शौकत भाई वाला तो मामला निपटा लूं। मूड तो ठीक कर लो अपना। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मर्द जाके ससुराल में अगले दिन ही बिस्तर डाल के बैठ जाए। बहू को छोड़ जाएगा मगर मुराद नहीं ठहर सकता। घर के सारे काम काज तो मुराद नहीं करने हैं ना, तो वो अगर वहां जाके ठहर गया तो घर के काम कैसे चलेंगे? आगे आधे घंटे का कहकर तो डेढ़ घंटा लगा कर आए हो। इसी तरह अगर तुम सारा टाइम अपनी बीवी के घुटने से लग कर बैठे रहे तो घर के काम काज कैसे चलेंगे हैं? अच्छा जी, बाद में फिर बात करते हैं। अम्मी वो ना प्लास्टिक की वजह से देर हो जाती है। प्लास्टिक की वजह से देर हो जाती है? बाने क्यों लांडे हैं? तुमने तो कचहरी जाना था शौकत की जमानत कराने, तो सारा दिन तो ऊपर लगा आए हो तुम। अभी कहां दिन गुजरा, अभी तो सुबह के 8 बजे हैं और जा रहा हूं उधर ही। तो जाओ फिर, मेरी शक्ल को क्या देख रहे हो? अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। ओ शोकी, चल तेरी जमानत हो गई है। जमानत तो होनी थी, कहा था ना तुझे बड़ी ऊपर तक पहुंचे मेरी। हाँ हाँ मुझे पता है कहाँ तक तेरी पहुंच है, जितना बड़ा बदमाश उतनी तेरी बड़ी पहुंच। चल आगे चल। अमीर से बात किया कर, शोकी शोकी क्या होता है, चौधरी साहब कहते हैं लोग मुझे। हाँ मुझे पता है चौधरी साहब है, आगे चल। पता है, बड़ा पता है। कौन है, किसने किए समानो? ओ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह साले साहब, मुबारक। ओ ये क्या,
हड्डी तुड़वा ली पहले दिन ही भाभी था बदे तू तकार शुरू है जमानत करा दी है आपकी वो भी बड़ी मुश्किल से तुम्हारा जमानत नहीं कराऊंगा आखिरी चांस था क्या देख रहा है अपनी गड्डी है ओए और रुको और रुको रुक जा दिखा गया ना अपना सालापन खैर अब तो बाहर आ ही गया हूं देख लूंगा सबको यस मैम आइए मिस्टर फैसल प्लीज हैव अ सीट थैंक यू मैम ये लेटर पढ़िए मैम लेकिन ये तो ट्रांसफर लेटर है आपको इस्लामाबाद प्रोजेक्ट के लिए हेड अपॉइंट किया गया है मुबारक हो लेकिन मैम एनी प्रॉब्लम आप खुश नहीं नजर आ रहे मैम एक्चुअली इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और मैंने आज तक इस तरह का कोई भी असाइनमेंट टेकअप नहीं किया मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा लेकिन मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम है तो बताइए एक्चुअली मैम मेरी एक छोटी बेटी है और फैमिली भी यही कराची में होती है उसका भी हल है हमारे पास आप महीने में 3 वीक्स इस्लामाबाद में रहिएगा और 1 वीक आप यहाँ कराची से ऑनलाइन हैंडल कीजिएगा आखिर मैं भी तो हूँ यहीं से बैठ के 3 शहरों के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हूँ यू कैन डू इट जी बेहतर जैसा आपको ठीक लगे एनीथिंग एल्स एक्चुअली मैम मुझे आपसे एक छोटी सी फेवर चाहिए बोलिए हाँ इज इट पॉसिबल कि मुझे एडवांस सैलरी मिल जाए ज्यादा नहीं 3 महीने की भाभी आपने चाय खुद बना ली मुझे बता देती मैं आपके लिए बना लेती नो प्रॉब्लम मुझे वैसे भी स्ट्रॉन्ग चाय पीने की आदत है ऐसी चाय तो मैं खुद भी बना लेती हूँ क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने चाय बना ली तो मेहमान थोड़ी हूँ मेरा ही घर है हाँ ये भी है ठीक कह रही हूँ इंसान अपने ही घर में कब तक मेहमान बन के रह सकता है एक ना एक दिन घर का काम संभालना होता है घर का काम मैं समझी नहीं आप कौन से कामों की बात कर रही हैं मैंने घर के काम कभी किए नहीं है हाँ चाय बना लेना या कॉफी वो मैं अपने घर में बना लेती हूँ भाभी आपकी चाय ठंडी हो गई है एक काम करते हैं आप और मैं मेरे कमरे में चलते हैं मैं आपको पुरानी एल्बम सिखाती हूँ फिर कभी सही अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है क्या जरूरत है खुशामद करने की देखा नहीं कितनी रिजर्व रहती है साफ जाहिर है कि वो हमारे साथ घुलना मिलना ही नहीं चाहती अभी अभी दिन ही कितने हुए हैं 1 हफ्ता हुआ है उन्हें इस घर में आए हुए
थोड़ा टाइम तो लगता है ना एडजस्ट होने में। बहुत वकालत कर रही हो मन्नत की, बहुत सेल्फ सेंटर्ड लड़की है, किसी गलत फहमी में नहीं रहना तुम। जैसी ये है ना वैसी इसका भाई होगा। पता नहीं क्या समझती है खुद को, किचन भी गंदा करके चली गई सारा। क्या करेंगे शौकत इस घर में आके, इस घर से उनका तल्लक ही कहाँ रह गया। नानी, घर के बड़े दामाद की बेटे से ज्यादा अहमियत होती है, वो तो ऊपर से मेरा सगा भतीजा है। निन्नगी, फोन फड़ाई। मैं करती हूँ फोन, देखती हूँ कैसे नहीं आता यहाँ। नहीं आना चाहता ना वो, कह दिया उसने, मुराद ने जो उनके साथ की है, खुद गाड़ी में बैठ के चला गया, उनको पूछा तक नहीं। किस खुशी में वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तुम्हारे शोहर को? अमेरिका या दुबई से डॉलर रियाल कमा के ला रहा है हमारे लिए कि हम उसे अपने कंधों पे बिठाएं और फूलों का हार पहना दें? जेल से रिहा होके आ रहा है, वो भी जमानत पे, और जिस भाई के खिलाफ इतना जहर उगल रही हो ना तुम, उसी ने रिहाई करवाई है। देखा किस तरह से जलील कर रही है मेरे शोहर को। सही कहते, उसके घर में इज्जत ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। हाय हाय, किधर जा रही है? चल पिंकी, कर चले। जी नहीं जाना, मुझे मामू के घर रहना है। तेरा मामू पराया हो गया हमारे लिए, तो उसका घर भी पराया हो गया। चल उठ, शाबाश। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह इसके मामू का साया हमेशा इसके सर पर कायम दायम रखे। पापा इंतजार करे। मुझे नहीं जाना दादा के पास। तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं ठहर जानी, हाथ ना लाए कुड़ी नू। ठहर जाओ, जरा सब्र कर लो। मुराद आता है, छोड़ आता है तुमको गाड़ी में। मुझे नहीं बैठना उसकी गाड़ी में। बीवी क्या ब्याह के लाए, खून ही सफेद हो गया। खुदा हाफिज। वैसे मुराद ने बहुत घटिया हरकत की है, आता है तो मैं करती हूँ उसको ठीक। हाय, ऐ भी उठे रह दे। सलमान पे बना है, उस केस में बहुत आसानी से जमानत हो जाती है। अगर आप कुछ दिन सुकून के गुजारना चाहती हैं तो आप प्लीज जा करके उसके खिलाफ गवाही दे दें। तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ एक और शिकायत लेकर आई है। मियां बीवी में ये प्यार मार की सांसीढ़ी तो लगी रहती है। अपना ये मार पीट का रिश्ता अपने पास रखो। मैं तुम जैसे पागल इंसान से जीत नहीं सकती, लेकिन मैं हार भी अपनी मानूंगी। भाभी ये घर नहीं है, बाजार है। यहाँ पर इतना शोर होता है ना कि मेरे सर में दर्द हो गया। और नुदरत, उसकी बेटी इतनी बदतमीज है, शुक्र है वो यहाँ से गई है। मेरी बात सुनो मन्नत, मेरी जान, हर घर का अपना माहौल होता है। अब जैसे भी हैं, जो भी हैं, यू हैव टू एडजस्ट बिकॉज दैट्स योर फैमिली नाउ। एक तो आप मुझे ये टिपिकल हाउसवाइफ्स वाले डायलॉग नहीं मारा करें, क्योंकि आप इस सूट नहीं करते हैं। तो क्या करूं मैं, तुम्हें इनकरेज करूं कि तुम बदतमीजी करो? आप नहीं समझेंगी भाभी, क्योंकि आप यहाँ नहीं रहती, आप इन लोगों को नहीं जानती हैं। और आपकी तो ना सास है ना इन जैसी नंदे आपकी, अगर होती ना तो आपको लग पता जाता। अच्छा खैर, सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुराद से बात की आने के लिए? आपने बात की मुराद की वालदा से। मन्नत बुरी बात, सास है तुम्हारी, आंटी या अम्मी बुलाया करो। मैं उनको कुछ बुलाती ही नहीं। मैंने की थी उनसे बात, मानी ही नहीं, इसलिए तो कह रही हूँ कि मुराद को कन्विंस करने की कोशिश करो। Everybody is dying to meet you over here. नहीं भाभी, हमें किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं आ जाऊंगी, अब मुराद साथ आए या ना आए। हेलो मन्नत, आई नहीं मेरी माँ, नहीं मेरी बेटी गई जा।
वाओ वेल डन छोटू, तुमने तो घर पे चाचू को हीरो से जीरो बना दिए। हाँ, इस बात पे आइसक्रीम होनी चाहिए। यस भाभी, आइसक्रीम मंगवाए? हाँ नहीं, मैं नहीं, तुम लोग खाओ। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही है? नहीं नहीं, वो बस मन्नत से बात हो रही थी। पप्पा सर, वो आ रही है ना, कब आ रही है वो? वो हमारे साथ कितने दिनों तक रहेंगी? चाचू मैं तो कह रहा हूँ हम ही पप्पा को लेने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। छोटू इधर आ। अल्लाह जी, बड़ी प्यारी चुक पाई है। आए। अम्मी ये क्या हुआ, कर क्या रही थी आप? मैं ये दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मैंने दरवाजा खोला तो लड़खड़ा कर गिर गई। मेरे ख्याल से मोच आई है आपकी कमर में। मैं जरा ध्यान से दरवाजे नहीं खोल सकती थी, बूढ़ी हड्डियां हैं मेरी। तो आंटी मुझे क्या पता था कि आप दरवाजे से चिपक कर खड़ी हैं? अम्मी वैसे आप कर क्या रही थी दरवाजे के साथ चिपक के? कान ला के गल्ला पे सोन दी सा, ठंड पै गई हो। जो आ रहा है पूछ रहा है क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी भाई? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। मेरा घर है ये, मेरे बेटे का कमरा है, मैं जहां मर्जी आऊं जाऊं। अम्मी आपको किसी ने नहीं कहा कि आप यहाँ नहीं आ सकती? इसको भी समझाओ, हर वक्त ऐसे कुंडियां मार के नहीं रखते हैं जी। हाँ तो और क्या, हमारे घर में ये प्राइवेट श्राइवेट नहीं होता है कहीं भी, हम नहीं लगा के रखते ये कुंडियां शुनिया। आए आए, मैं मार गई नहीं सराना ते रख पीछे। आए आए खलो के मुंह वेख रही, आके कोट मेरी कमर। आए। ये सूट केस किसका है? आए। मेरा है, मैं पैकिंग कर रही थी। तेरी सल्ला कहीं जा रही हो तुम? जी सिर्फ मैं ही नहीं जा रही, मुराद भी मेरे साथ जा रहा है। हम लोग मेरे घर जा, मतलब मेरे घर नहीं, भैया के घर जा रहे हैं थोड़े दिन रहने के लिए। मुराद ने आपको बताया तो होगा? नहीं, उसने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। हाँ हाँ जाओ जाओ तुम अपने घर। मैं तो खैर ऐसी सासों में से हूं ही नहीं जिन्हें इतराज हो कि भाई क्यों बहुएं अपने घर जा रही हैं। सो बिस्मिल्ला, जाओ। लेकिन मराद नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। हाँ हमारे खानदान में इसको बड़ी मायूब बात समझा जाता है कि लड़का अपने ससुराल में जाकर रहे, रात भी रुके। इसमें लड़के की इज्जत नहीं होती है। अच्छी बीवियां अपने मियां की इज्जत का ख्याल रखती हैं। वो नहीं जा सकता। इतना क्या बचपना है ये यार, क्या किया है मैंने? इससे बात मत कर। क्यों बात नहीं करनी तुम्हें? मैंने किया क्या है? अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? आप मुझे और जर्नलिस्ट को छोड़कर इस्लामाबाद जा रहे हैं, अपनी उस मैडम के साथ रहेंगे और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं रिएक्ट भी ना करूं? देखो तुम ना अब ज्यादती कर रही हो, और देखो मैं कौन सा कोई हमेशा के लिए जा रहा हूं, वो भी तो लोग हैं ना जो सालों मुल्क से बाहर रहते हैं अपने प्यारों से दूर। सिर्फ प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक मैं बाहर रहूंगा और फिर वीकेंड्स पे मैं आ जाया करूंगा। एक आंख नहीं भागती मुझे वो, लेकिन नहीं
अब तो उसी के साथ जाके रहेंगे। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। गलत है ना फैसल, लेकिन यही हकीकत है। तुम्हें क्या हो गया है? उस ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूं ना, और भी तो लोग होंगे ना, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम खुले दिमाग का मुजाहरा कर सकती हो तुम। बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहिल, उसकी छठी हिस्से कभी गलत नहीं होती। वैसे मुझे ना खतरा महसूस होता है उस औरत से। जब से मैं मिली हूं उससे, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी आ गई है। पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मुझे नहीं समझ आता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बस आई डोंट नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाट्स रॉन्ग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, झूठ बोल बोल के बहाने बना बना के ना मेरे जबड़े दुखने लग गए हैं। अब मुझे झूठ बोलने की सकत नहीं है यार मुझ। ओ भाई, ये मेरे हाथों की तरफ देख, सच बोलने की हिम्मत भी ना करी, नहीं तो बालू तेरा नकली टूटा था, जबड़ा तेरा असल में टूट जाएगा। एक तरफ तेरी अम्मी इतनी तगड़ी, और खैर से मन्नत उससे भी ज्यादा तगड़ी, तेरा सच दोनों से दम नहीं होगा। फिर देख पाच, तुझे तो पता नहीं कि मैंने मन्नत को कितनी मुश्किल से हासिल की, लेकिन मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकता, और ना अम्मी मेरे बगैर रह सकते हैं। और कभी कभार ना मुझे डर लगता कि अगर अम्मी को मेरे झूठ के बारे में पता चल गया ना, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और मैं मन्नत को भी नहीं खोना चाहता। उसे खुश रखने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। अब तू सोच ले तूने क्या करना है। देख भाई, अगर तू ससुराल जाके रहेगा तो अम्मी नाराज, बेगम खुश, और अगर तू नहीं जाएगा तो बेगम नाराज, अम्मा खुश। अब तू सोच ले तूने किसे नाराज करना है और किसे खुश रखना है, क्योंकि एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है। पता नहीं वहां पर जा सकेंगे कि नहीं, लेकिन यार मुझे इतना पता कि अगर मैं मन्नत के साथ उसके भाई के घर ना गया तो बहुत गलत हो जाए। तू भाई अपने हाथ उठा, दुआ मांगो, दुआ मांगो, अल्लाह रहम करते, आमीन। अम्मी भूख लग रही है, कुछ तो खाने के लिए दे दे। जा जाके डब्बे में से बिस्कुट खा ले, अभी खाना नहीं पकाया मैंने। अच्छा ठीक है, खा रही हूँ। तेरी माँ के घर में तो लगता है मेरी बेटी ने फाके ही काटे। वो शक्ल देख उसकी आंखें निकल आई हैं। हाँ, अब बाप के घर आ गए ना, खिला तारने वाले अपनी हक लाल की कमाई से। ये तो तुझे क्या लगता है, नहीं क्या लगता है तुझे कि मुझे फिक्र नहीं है तुम दोनों की? और मैं भी अच्छा खिलाना पिलाना चाहता हूँ, और तभी इतना बड़ा रिस्क लिया है। अगर हमारी परवाह होती ना तो किसी चार्ज की जगह पर रिस्क लेते, जुए में नहीं खेलते। सारी मेरे बहनोई और भाई की कमाई एक मिनट में उजाड़ दी। वो सब नसीबों का खेल है बेगम, मैं तो जीत गया था, और पैसे भी हाथ आ गए थे, तो पुलिस पड़ गई, सारा जीता जिताया पैसा भी गया। अब पुलिस नहीं आती ना तो देखता कैसे देती ताने तू। नसीब तेरे नहीं मेरे उजड़े हैं चोरी, तेरे से ब्याह कर। अब तो नसीबों की देवी तुम्हारे घर आ गई है मुराद की बीवी बन के, अब तो मुराद के हालात और अच्छे हो जाएंगे। नसीब की देवी कमरे से निकलेगी तो नसीब अच्छे होंगे ना, मुंह नहीं लगाती किसी को। वो तो अम्मी ने ढील दी हुई है, जिस दिन अम्मी अपनी आई पे आ गई ना, देखना वो हशर करेंगी कि देखते रहना। और तुम लोग शुक्र अदा करो कि वो अजरा नहीं आई तुम्हारे घर बहू बन के, ओ खा जाती तुम लोगों को, डकार भी ना लेती है। इतनी खतरनाक है वो, शक्ल से तो नहीं लगती। तौबा 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 बेगम, शेरनी थी शेरनी, फुफो से भी खतरनाक। तुम बताओ एक पिंजरे में दो शेर भला रह सकते हैं? हाँ।
इतने कपड़े, इतनी चीजें ले जाने की क्या जरूरत है? दो तीन दिन की तो बात है। दो तीन दिन तो तब रहूंगी ना जब मुराद साथ जाएगा, और साथ नहीं गया तो फिर मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। थैंक यू। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी वैसे। नहीं नहीं, इसमें भला तकल्लुफ की क्या बात है बेटे। वैसे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि बहन और बेटी के घर के पानी का घूंट भी हराम होता है। ये तो पुराने जमाने की बातें मैं आपको बता रही थी। वैसे मेरे वालदे मोहतरम और भाईजान जब भी मुझे लेने के लिए ससुराल आते थे, कभी उन्होंने दहलीज नहीं पार की मेरे घर की, हमेशा बाहर चौखट से ही चले जाते थे। अब हमी, अब आपको पता है साथ बड़ा मशहूर क्रिकेटर है। मुझे ये अंग्रेजों की खेल कभी भी पसंद नहीं आई, मेरा वक्त का ज़ियां। वैसे बेटे आपने पढ़ा लिखा नहीं जो ये गेमेशे में खेलते रहे हैं? वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मुराद तुम साथ आ रहे हो ना? घर पे सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। मैं अम्मी पानी ला। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मैं मन्नत, मन्नत ये क्या बचपन है? मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा ससुराल है, बड़े भैया का घर नहीं है कि जो तुम्हारा दिल में आए तुम बोल दो। भाभी सभी तो कहते हैं कि औरत का अपना घर उसका ससुराल होता है, तो फिर अपने घर में दिल की बात करने से पहले सोचने की क्या जरूरत है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो, शौहर के घर को अपना घर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होते इतने कॉम्प्रोमाइजेस भाभी। आपको पता है शादी के बाद से मैंने और मुराद ने साथ में ढंग से वक्त नहीं गुजारा है। We've never been out on a dinner, we've never spent time together, हमने साथ में बैठकर बात तक नहीं की है। शादी के बाद से वो अपनी अम्मी और अपनी बहनों के मसलों में फंसा हुआ है। मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं इस कमरे में बैठकर उसका इंतजार करती रहूं और सोचती रहूं कि मुराद आएगा भी कि नहीं आएगा, कब आएगा, क्या होगा, और वो नीचे बैठकर अपनी अम्मी के टांगे दबाता रहे, उनके घुटने में बैठा रहे। बैठे आप, आपका जा रहे? No, I don't think so. देखो मुराद, ऐसी सिचुएशन ना मर्द को खुद ही हैंडल करनी चाहिए। अम्मी भी तुम्हारी है, बीवी भी तुम्हारी है, कोई और इंटरफेयर करेगा तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आई थिंक यू गाइज नीड टू सिट एंड टॉक इट आउट। तुम लोग आपस में बात करो, मैं नीचे वेट करती हूँ। ओके क्यों जिंदगी तबाह करना चाहती है मुराद? मत डाले उसे इस कश्मकश में। आपको लगता है कि आप उसे रुकने का कहेंगे और वो रुक जाएगा? दो दिन हुए उस लड़की को इस घर में आए हुए, मेरी तरबियत इतनी खोखली भी नहीं है कि कल की लड़की आके मेरे बेटे को दो दिन में अपनी मुट्ठी में कर लेगी। नहीं जाएगा वो, देख लेना। मन्नत ने मुराद को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया, साथ के पूछने पे उसने हाँ नहीं की तो ना भी नहीं की। लेकिन आप सच्चाई से मुंह फेर रही हैं।
बात समझने को तैयार ही नहीं है। ना करने नहीं जाएगा, देख लेना। मन्नत, अगर मैं कहूं के तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, बहुत मिस करूंगा, तो क्या तुम दो तीन दिन में वापस आ जाओगी? दो दो या तीन दिन बहुत ज्यादा है ना। तुम कहो तो तुम्हें मैं परसों सुबह लेने आ जाऊं। नहीं, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ सकती हूँ अगर मुझे आना हुआ तो। क्या मतलब यार, फिर वही बातें। अगर मेरी नहीं तो कम से कम अपनी भाभी की ही मान लो, और उन्होंने ही कहा है कि वहां पर अकेले रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा मशवरे ना दो, मेरी भाभी है, उनकी बात मानू या ना मानू तुम्हें क्या? मुझे ना बहुत कुछ है, शौहर हूं मैं तुम्हारा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? गुस्सा छोड़ दो प्लीज। माना कि तुम गुस्से में जानलेवा हद तक सीन लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा हर वक्त तुम्हारी इस सीन नाक पर धरा रहे। और तुम्हारी मुस्कुराहट भी कुछ कम नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल आई हैव एवर सीन। कितना अरसा हो गया मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं देखी, प्लीज एक दफा मुस्कुरा कर दिखा दे प्लीज प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी। चल रहे हो साथ पे? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जरूर चलता मन्नत, बात ये नहीं है, और मैं डरता वरता किसी से नहीं, और ना ही मुझे किसी से ना इजाजत लेने की जरूरत है। Try to understand. अच्छा नहीं लगता कि ससुराल में जाकर हूं मैं, मर्द की शान में कमी आती है, और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शौहर की इज्जत में कमी है? बताओ। ठीक है, तो तुम रहो यहां पर अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ, मैं जा रही हूं, बाय। मुझे नींद भी तो नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं एक जगह पर, बस यही वजह और कुछ नहीं है। तुम अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते, मेरे बगैर तो रह सकते हो ना? ठीक है, फिर रहो, मैं जा रही हूं। मन्नत,